आज देवउठनी 11 के मौके पर राजधानी भोपाल में कोरोना प्रोटोकॉल के अंतर्गत 1500 से ज़्यादा शादियां हो रही हैं। अधिकतम 250 लोगों को शामिल करने और 10 बजे तक समारोह खत्म करने की पाबंदियों के चलते आयोजन में तमाम बदलाव करने पड़ रहे हैं। जहां एक ओर शादी हॉल के बाहर कोविड-19 की गाइडलाइन भी लिखी हुई है, वहीं कोई किश्तों में रिसेप्शन कर रहा है तो किसी ने होटल के छोटे से परिसर में बारात निकलने की तैयारी की है। फेरे भी रात के बजाय दिन में कर रहे हैं ताकि लोग कर्फ्यू से पहले घर पहुँच सकें। शादियों की लाइव स्ट्रीमिंग की तैयारी भी है। वीडियो फोटोग्राफर वेबर अग्रवाल बताते हैं कि वीडियो कॉलिंग ऐप पर हर रस्म के लिंक देंगे, वहीं शादी में मौजूद लोग मास्क लगाकर उसे फ्रेंड बता रहे हैं। साथ ही यह भी कह रहे हैं कि शादी में दुल्हा दुल्हन होना ज़रूरी है, बाराती जितने भी हो इससे फ़र्क नहीं पड़ता। गौरतलब है कि राजधानी भोपाल में अगले 20 दिनों के अंदर 3000 शादियाँ होने वाली हैं। मध्य प्रदेश में आज देवउठनी यानी कि जो गन्ना 11 के नाम से भी जाना जाता है, आज तो वो त्यौहार है ही, साथ ही साथ आज से जो लग्न है वो भी शुरू हो चुका है। और आप देख सकते हैं, आज आपको बताना चाहूँगी, राजधानी भोपाल में तकरीबन 1500 शादियां जो है आज ही संपन्न हो रही हैं। अलग अलग जगहों पर ये शादियां संपन्न हो रही है। इसी के साथ कलेक्टर ने भी काफ़ी सारी व्यवस्थाएँ बनाई। जैसे आप देख सकते हैं, शादी हॉल के बाहर ही कोविड-19 से जुड़े जो भी रूल्स हैं, जैसे जिसमें मास्क लगाना है, सैनिटाइज़र का अवश्य तरह से इस्तेमाल करें, साथ ही साथ टेम्परेचर भी चेक कराने की भी बात इसमें लिखी गई है। वहीं 10 बजे तक ये जो शादी है इसे भी संपन्न करने की बात की गई है। हमारे बीच में भी मौजूद है जिनके यहाँ पे आज खुद शादी हो रही है। सर, आपके घर में खुद शादी हो रही है क्या? 50-50 लोगों के बारे में बोला गया है, किस तरह से आप लोग पालन कर रहे हैं और क्या लग रहा है कि मुश्किलें आ रही हैं कुछ? ये इसके कारण क्या है, कोरोना के कारण है कि शादी के पहले था, अब तो 50 से भी कम है, मतलब 100 से भी कम है, कि सीमित 15-15, 20-20 लोग आके शादी में मतलब शामिल हो रहे हैं। क्या किसी प्रकार शादी कर रहे हैं हम लोग? आप लोगों को क्या लग रहा है कि कुछ ज्यादा लोग होते तो ठीक रहता है या सही मान रहे हैं आप इसको, और किस तरह से पालन कर रहे हैं सारे नियमों का? देखो, ऐसा है कि ये तो अपनी प्रतिष्ठा वाली बात है कि अपन लोग भी दूसरे के यहाँ जाते हैं तो लगता है कि अपना एक ही बच्चा है, शादी हो तो अच्छे से हो जाए। शादी बार बार नहीं होनी है, एक ही बार शादी होती है। लेकिन क्या करो, जो वैश्विक बीमारी है जिसकी वजह से अपने को करना पड़ता है, और उसके लिए ये सहूलियत अच्छी है वैसे। बिल्कुल, जिस तरह से आप देख सकते हैं कि जो भी लोग शादी में भी आ रहे हैं वो भी मास्क लगाए हुए हैं। मैम, आज आप शादी में आई हैं, किस तरह का माहौल है? काफी खुशी भरा माहौल होता है, ऐसे में मास्क लगा के आप लोग आ रहे हैं, क्या लग रहा है आप? आज क्यों लगाए हो मास्क? मतलब ये मान लें कि ये नया ट्रेंड हो चुका है, शादी हो या कुछ भी हो, मास्क लगाना इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल, मास्क लगाना तो जरूरी ही है, फंक्शन हो मास्क तो जी, मास्क तो आप लगाए हुए हैं, साथ ही साथ कोविड के और भी कई नियम है उनका भी पालन हो रहा है। 50 लोगों से ज्यादा नहीं आ रहे, क्या उतना उत्साह जो हमेशा रहता है उस तरह का उत्साह है अभी भी शादी में? देखिए, उत्साह तो है परंतु रोक लगी हुई है, इसलिए वो उत्साह में सारी कमी आ रही है। और जो लोग जाना भी चाहते हैं शादी में तो रुक जा रहे हैं कि भाई हम कैसे जाएं, मतलब ये सारे सब कानून का पालन करना पड़ रहा है ना, सारे नियमों का पालन करना पड़ रहा है। और उस उत्साह को हम लोग टुकड़े टुकड़े में मना रहे हैं, मास्क लगा के टुकड़े टुकड़े में मना रहे हैं। सर, इसके साथ ये भी बात है कि जो लोग नहीं आ पा रहे हैं वो वीडियो कॉल के जरिए लोगों से जुड़ रहे हैं, किस तरह से देख रहे हैं कोविड की जो शादियाँ है? कोविड की शादियाँ है, जब जैसा है वैसा रहना चाहिए हम, और बिना मतलब की अफवाह फैलाते हैं, बिना मतलब का काम करते हैं। कोई जरूरत नहीं कि 400-600 लोग आ जाएं, 10-15 लोगों में शादियाँ हो सकती है, हो रही है, लोग देख रहे हैं, फॉलो क्यों नहीं कर रहे हैं, समझ में नहीं आता, करना चाहिए लोगों को। जी बिल्कुल, जिस तरह से आप देख सकते हैं लोगों में उत्साह तो उसी प्रकार का है, लेकिन सभी का कहना ये है कि उत्साह अपनी जगह है लेकिन जो वैश्विक महामारी है वो भी अपनी जगह पे है, इसीलिए सभी मास्क लगा के सारे नियमों का पालन करके साफ तौर पर कहना है कि कम लोगों में भी शादी हो सकती है, उसी का पालन करते हुए लोग उसी उत्साह के साथ में शादी जो है कर रहे हैं और सभी साथ साथ एंजॉय भी कर रहे हैं। कैमरा पर्सन अंकित के साथ दीपा श्रीवास्तव, मृदुभाषी न्यूज़ भोपाल।